पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने देश भर में कानून व्यवस्था की स्थिति के आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब अव्वल से सिर्फ एक कदम पीछे है, यानी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में कानून व्यवस्था पूरे देश में सिर्फ एक प्रदेश को छोड़कर के सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था साल दर साल बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। डीजीपी के मुताबिक एक सर्वेक्षण में सिर्फ गुजरात का आंकड़ा ही पंजाब से ऊपर बताया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बेशक पंजाब दूसरे स्थान पर है, लेकिन आंकड़ों में नाम मात्र का ही अंतर है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू मूसेवाला की हवेली पहुंच करके मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की है और दुख जताया है। इस दौरान उनके बीच कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। चन्नी ने बोलते हुए कहा है कि पिछले लंबे समय से सिद्धू मूसेवाला के पिता इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। फरीदकोट की सेंट्रल मॉडर्न जेल में मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिलने के बाद जेल प्रशासन अलर्ट पर है। इसी कड़ी में जेल प्रशासन की ओर से जेल में तलाशी और सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। इस दौरान जेल कर्मियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान चलाया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से जेल मोबाइल और नशीला पदार्थ मिलने की घटनाओं के बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीआईए फिरोजपुर की टीम को तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। टीम ने आरोपियों के पास से 10 करोड़ की कीमत वाली 2 किलो हेरोइन, 25,05,000 रुपए की ड्रग मनी और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। चंडीगढ़ के मौसम विभाग ने धुंध पड़ने की चेतावनी दी है। इस दौरान विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया है कि अगले 2 दिन तक कई जगहों पर धुंध होने के आसार रहेंगे, जिसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, तो वहीं पठानकोट, होशियारपुर, रोपड़ और मोहाली के आसपास ठंड रहेगी। जालंधर महानगर के मोहल्ला करार खां में मामूली कहा सुनने के बाद दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई है। हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं की है। थाना ममदोट इलाके के गामा वाला में आपसी रंजिश में गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली लगने से सुरेंद्र सिंह उर्फ सिंधु घायल हो गया है। इलाज के लिए उसे फिरोजपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले की जांच शुरू कर दी है। लुधियाना में नगर निगम ने अवैध रूप से बने 10 दुकानों को तोड़ करके बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान दुकानदारों ने कड़ा विरोध कर कार्रवाई के दौरान नगर निगम के जोनल कमिश्नर पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, और इसी कड़ी में निगम अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से बनी दुकानों को खाली करने की चेतावनी दी गई, लेकिन दुकानदारों ने बात नहीं मानी है और इसी कारण ऐसी कार्रवाई की गई है। लुधियाना में 13 साल की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि करीब 1.5 महीने से बच्ची लापता है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं किया है। इसी कड़ी में सीपी लुधियाना ने क्राइम ब्रांच की शिकायत की है, जिसके आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।